गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 4 मैथ्स का है। 15,250 बैग्स ऑफ सीमेंट हैड लोडेड इन अ शिप, 98,875 बैग्स वेयर लोडेड इन फर्स्ट डे, द रेस्ट वेयर लोडेड इन सेकेंड डे, हाउ मैनी बैग्स ऑफ सीमेंट वेयर लोडेड सेकेंड डे। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो आपके ये 15,250 बैग सीमेंट है जो लोड होती है एक शिप में कितनी सीमेंट लोड होती है, 15,250 बैग सीमेंट के, ठीक है, और उसमें से 9,875 बैग्स वेयर लोडेड इन फर्स्ट डे, इतनी सीमेंट आपकी फर्स्ट डे में लोड हुई, द रेस्ट वेयर लोडेड इन सेकेंड डे में लोड नहीं हुई, तो हाउ मैनी बैग्स ऑफ सीमेंट वेयर लोडेड इन सेकेंड डे, तो सेकेंड डे में कुल कितनी सीमेंट लोड होगी, तो इसको सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट हैड लोडेड 15,250, द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट वेयर लोडेड इन फर्स्ट डे 9,875, द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट वेयर लोडेड इन सेकेंड डे, तो आप 15,250 में 9,875 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5,375, सो 5,375 बैग्स ऑफ सीमेंट लोडेड इन सेकेंड डे। अब देखिए आपको ये समझ में आएगी, सब्ट्रैक्शन करना है कि आपको एडिशन करना है। देखिए आपको कुल टोटल बैग दिए हैं शिप में जो लोड हो रहे हैं उनकी टोटल संख्या दी है 15,250 15,250, उसमें वो कह रहा है कि 9,875 फर्स्ट डे है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए 15 रुपये हैं, उसमें से आपने फर्स्ट डे 7 रुपये खर्च कर लिए और सेकेंड डे नहीं खर्च किए, तो आपके पास कुल कितने पैसे बचेंगे सेकेंड डे के लिए, तो आप उसमें से निकाल लेंगे कि 8 पैसे, तो ये घटाना करके ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके ही करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, देयर इज पॉपुलेशन ऑफ 92,246 पीपल इन अ टाउन, एक कस्बे की जो जनसंख्या है वो 92,246 था और ऑफ दीज 30,508 ड्रिंक कॉफ़ी, उसमें से 30,508 लोग कॉफ़ी पी रहे हैं एंड रेस्ट ऑफ दीज ड्रिंक टी, उन्होंने चाय को बंद करके, तो हाउ मैनी पीपल ड्रिंक टी, तो कितने लोग आपके क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, तो द नंबर ऑफ पीपल इन अ टाउन कितने, 92,246, द नंबर ऑफ पीपल ड्रिंक कॉफ़ी कितने पी रहा है, 30,508, अब नंबर ऑफ ड्रिंक टी कितने पी रहे हैं नंबर ऑफ पीपल, तो आप इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपका 61,738 आ जाएगा, सो 61,738 पीपल ड्रिंक टी। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 485,663 343,682, यहाँ पे लास्ट का 7 आप हटा लीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें 485,663 में कि आपको 343,682 मिले, तो आप क्या करेंगे कि इस नंबर में इस नंबर को माइनस कर लेंगे तो आपको कौन सा नंबर मिल गया, आपको मिल गया 141,981, ठीक है। देख लीजिए आप ध्यान से कि अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 24,536, दो नंबरों का जो घटाना आया है वो 24,536 आया है, इफ़ द ग्रेटर नंबर, उसमें से ग्रेटर नंबर था 72,348, अब फाइंड द स्मॉलर नंबर, आपको अब छोटा नंबर निकालना है,
तो ग्रेटर नंबर आपका 72,348 और डिफरेंस क्या दिया है आपका 24,536। ये दोनों नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आप निकालना है स्मॉलर नंबर, तो आप क्या करेंगे इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो 8 में 6 के आया, सब्ट्रैक्ट हुआ 2 आया, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, 13 में 5 8 आ गया, 11 में 4 गए 7 आ गया, और आपका 6 में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 4 आया। ठीक है, तो द स्मॉलर नंबर आप 47,800 आपका 12 आ गया। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, और आपको इनको अच्छे से समझना, जो ना समझ में आए तो आप फिर से बताइएगा। थैंक यू।